अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन दरवाजा खोलो। सुमन मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलो, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। मामा जी, मैं जानता हूं मामा जी, आप हम सबसे बहुत नाराज हैं, लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे सुमन से बात करने दीजिए प्लीज। निकल जाओ अंशुमन, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं मामा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक मैं सुमन से बात नहीं कर लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सुमन मैं तुमसे आना, हमने सुमन को तुमसे बात नहीं करनी, चले जाओ यहां से और दोबारा अपना चेहरा यहां पे मत दिखाना। सुना नहीं आपने मामा जी ने क्या कहा? चले जाइए यहां से, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। सुमन मैं यहां तुमसे अपनी गलती की माफी मांगने आया हूं, भूल करने आया हूं कि मैंने तुमसे सच छुपा के बहुत बड़ी गलती की। प्लीज मुझे माफ कर दो सुमन, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं और जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। और अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं यहीं तुम्हारे घर के सामने खड़ा रहूंगा, पर मैं यहां से जाऊंगा नहीं। कुछ नहीं किया बाबूजी, ये हमने नहीं किया, हम बेगुनाह बाबूजी, हम आपके बेटे हैं, हम ऐसा काम कैसे कर सकते? बाबूजी बता दीजिए हमें, बाबूजी कुछ नहीं होगा, हमने कहा ना कुछ नहीं होगा। अब हमें इसका और अधिक ध्यान रखना होगा, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। सुन बेटा, सुन, चल बैठ, चुपचाप यहाँ बैठ, बैठ। केदारी अब से ये मधुसूदन का ध्यान तुम्हें रखना है जी। एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए ये, जब तक इसे सुरक्षित स्थान का प्रबंध नहीं हो जाता ये यहीं रहेगा। ये अंशुमन जी को क्या हो गया? अंशुमन जी, मामा जी, मामा जी जल्दी आइए। क्या हुआ सुमन? मामा जी देखिए ना, इन्हें बहुत तेज बुखार हुआ है, इन्हें अंदर लेकर चलना होगा, दवाइयां देनी होंगी, वरना बुखार सर तक पहुंच जाएगा। मामा जी प्लीज हमारी मदद कीजिए ना, इन्हें जल्दी से अंदर लेकर जाना होगा। प्लीज एक बार ये ठीक हो जाएंगे ना, हम खुद इन्हें बोलेंगे कि यहाँ से चल जाए, प्रॉमिस। प्लीज इन्हें ले चलिए अंदर मामा जी प्लीज। मामा जो दवाई हमें चाहिए वो तो है ही नहीं,
फोन भी चार्ज नहीं है। आप एक काम करिए, अंशुमन जी को गीली पट्टी कीजिए, हम बाहर से दवाई लेकर आते हैं। ससुर नींद नहीं आ रही है, ये मच्छर सर शरीर का खून पी के आधा कर दिया है। अब हमें अपने कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा। ए चिरकुट, मालिक हमें ससुरी नींद नहीं आ रही है और तुम यहाँ गधे घोड़े बेच के सारे। नहीं नहीं मालिक, गलती हो गई। जाओ जाके दारू लेके आओ। मालिक इस समय तो दुकानें भी बंद हो गई होगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं। पैसा नहीं है तेरे पास? नहीं मालिक। आले दो माँ को मालिक के नौकर। ये क्या है? लगो। गलती हुई मालिक। अब चुपचाप सो जा, और अगर मुंह खोला ना तो हमें मुंह बंद करना बहुत अच्छे से आता है, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। जा। अरे मालिक, मालिक बाबूजी मना करके गए मालिक। थैंक यू। ऐसा आदमी है, सॉरी भी नहीं बोला। ये तो हमारे माँ पापा का कातिल है, मधुसूदन झा, और ये जिंदा है। रुको, सुनो। ये लड़की तो हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। हमने कहा रुकिए, रुको। मैंने इस तरह भागकर नहीं जाने देंगे। ये लड़की कौन है और हमारे पीछे काहे भाग रही? क्या चाहती है? कहीं हमरे तो नहीं? भाग मधुसूदन भाग। आपने अपने मां बाबा के कातिल को ऐसे जाने कैसे दे दिया? ये और बड़े पापा जिंदा है, कार्य सुमनिया। जब राय बहादुर का घर छोड़ दिया, अंशुमन से रिश्ता नाता तोड़ दिया, फिर भी तू ये खातिरदारी करने में लगी है? भूल मत, इसके बड़े पापा ने क्या किया है तेरे साथ। किस मिट्टी की बनी है सुमनिया? एक बार जान ले, तेरी ये भलाई ना किसी काम नहीं आएगी तेरे। सुमन, पहली बार उर्मिला के मुंह से कुछ सही निकला है। हम अभी राय बहादुर के घर पे फोन करके कह देते हैं कि आके अपने लाल को वापस ले जाए यहाँ से। अगर शिखर को पता चला ना कि अंशुमन यहाँ पर है, तो पता नहीं उसका गुस्सा कितना बढ़ जाएगा। चल रहे नवाब जादे, चलो उठ अपने घर जा। मामी, आपको दिख नहीं रहा इनकी तबीयत कितनी खराब है। तबीयत नहीं, नीयत खराब है इन लोगों की। लेकिन तेरी आंख पे तो पट्टी बनी हुई है, तू तो अंधी हो गई है बिल्कुल, तुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तनी बेचारे तेरे माँ बाप मर के भी क्या सोचते होंगे कि उनकी कातिलों के खानदान को तू सहारा दे रही है। उर्मिला चुप, बस दो शब्द सही कहे फिर से बकवास शुरू कर दी। अरे ये बातें बाद में भी हो सकती है ना, इसे अपना काम करने दो। अरे ये काम नहीं, गद्दारी है गद्दारी, अपने माँ बाप से गद्दारी। गद्दारों के साथ रहकर ना ये भी गद्दारी सीख गई है, समझाइए इसको। तू अभी चलो यहाँ बाहर, चलो मेरे साथ।
चलो तुम उसको रोको आप। चलो आपको समझ नहीं आ रहा, बात ही नहीं समझते आप। तेरे माँ बाप का कातिल तेरे इस परिवार में से कोई है। तेरे माता पिता का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ था। मर्डर क्या हुआ बेटा? जब से तू आई है बहुत परेशान है, सब ठीक है ना? अगर हमने मामा जी को कुछ भी बताया तो वो देश में आकर शिखर भैया को भी सब बता देंगे और भैया का गुस्सा सारी हदें पार कर जाएगा। पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। अंशुमन के बारे में सोच रही है ना? चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। माफ कीजिएगा मामा जी, हम आपको कुछ नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ये वादा करते हैं कि हम अपने माँ बाबा के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेंगे। इस बार तो वो नहीं बचेगा। देखो गिरा दिया सामान सारा, कहीं बिल्ली तो। ये तो मनोरमा है ना? सुन लिया कि नहीं, दोबारा नहीं आना घर में। बाबूजी, उठने को बोला है, मुंह खोलने को नहीं। सुन रहे हो ना? आंखें खोल खोल के कहा देख रहे हो? हम आपके बड़े के बेटा। माजो तू यहाँ क्या कर रहा है? कैसे आया तू? पागल हो गए? कोई सुन लेगा? ऐसा कैसे हो सकता? बड़े पापा जिंदा है और इस बारे में घर में किसी को कुछ नहीं पता। सबको यही लगता है कि वो हमारे पीछे ही नहीं। पर अगर किसी को कुछ भी पता होता तो बड़ी माँ ऐसे विधवा रूप में नहीं जी रही होती, इतनी तकलीफ में नहीं जी रही होती। तो फिर क्यों इतनी बड़ी बात किसी को नहीं पता? आज उनका ऐसे अचानक सामने आ जाना, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे माया को पुलिस ले जा रही थी तो उसने कुछ कहा था तुमसे? कहीं दादाजी को तो इस बारे में नहीं पता। कहीं दादाजी तो नहीं जानते कि बड़े पापा जिंदा है। सुमन, मुझे माफ नहीं करोगी? इससे बहुत बड़ी गलती होगी सुमन। मैं मानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन मुझे यकीन मानो, मेरा इरादा तुम्हें मामा जी शिखर या किसी को भी धोखा देना नहीं था। अरे मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूं सुमन, मैं तुम्हारा दिल दुखाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। I'm such a fool. Please यार, माफ कर दो मुझे। देखो तुम्हें मुझे जो सजा देनी है दे दो, और इस तरह नाराज मत हो। ये लो
निकाल लो अपना गुस्सा और नाराजगी, लेकिन प्लीज इस तरह नाराज मत रहो मुझसे, ठीक है? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया ना, तो खुद को सजा भी मैं ही दूंगा, तुम्हारा दिल दुखाने के लिए और तुम्हारी आंखों में आंसू लाने के लिए। मैं खुद को जितना दर्द दूं कम होगा। अंशुमन जी, अंशुमन जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है, जाके आराम कीजिए, फिर कल हमें वापस घर भी तो जाना है ना। वादा करते हैं आपके कातिल मधुसूदन झा को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे, हम हर हाल में सजा दिलवाएंगे। ये दरवाजा तो बंद है, किसने किया? मामा, मामी, दरवाजा खोलिए। अब ये दरवाजा तो नहीं खुलेगा सुमनिया। मामी ये क्या बोल रही हैं आप, ये क्या जिद है? प्लीज दरवाजा खोलिए ना मामा। हरगिज नहीं, हम तुमको उन कातिलों के घर वापस नहीं जाने देंगे, समझ में आया? ये गलत है, प्लीज दरवाजा खोलिए ना, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सुमन जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। अंशुमन बाबू, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, आप चाहे कितना भी बीमारी का नाटक कर लीजिए लेकिन हम आपको सुमनिया से मिलने नहीं देंगे, जाके देखिए। मामी जी ये क्या जिद है, आप तो सुमन भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार। मामी जी इज्जत छोड़िए, उठिए और मुझे चाबी दीजिए। हम नहीं उठेंगे, आपको जाना है ना तो हमारी लाश से गुजर कर जाइए, जाइए। मामी जी उठिए, उठिए, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। हम नहीं देंगे चाबी। मत दीजिए चाबी, लेकिन सुमन तो मेरे साथ जाएगी जाएगी। अरे क्या कर रहे, क्या कर रहे? शीशम का दरवाजा शीशे से तोड़ दिया। चलो सुमन। अरे कुछ करिए। सुमन नहीं, पछताओगी तुम, मत जाओ, तुम अपने माँ बाप के काफिलों के घर जा रही हो, मत जाओ सुमन, बहुत पछताओगी। गलत कर रही हो तुम, बहुत गलत कर रही हो, हम बता रहे हैं, सुन लो तुम अपने मामा की। हमारा जाना बहुत जरूरी है मामा जी। अपने माँ बाबा के कातिल का पता लगाने के लिए हमारा वहां जाना जरूरी है। सुमन, सुमन, देखा अब आपकी भी नहीं सुन रही है, सिर पे चढ़ा के रखा है ना, जिद्दी तो बचपन से है ही, संभालिए। उसमें दरवाजे पर कौन आ गया? मधु, 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 दरवाजे पर कोई है? बाबू जी टीसी की ठंडी हवा बहुत अच्छी नींद आ रही है, सोने दीजिए ना। नालायक, जो कोई भी है दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। बेटा सुमन, तुम हमारा मतलब है, तुम
तुम वापस आ गए? बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर, सदा खुश रहो। दादाजी, इस वक्त आप हमें बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ, कोई बात है? लाइए हम पल्स चेक कर लेते हैं। नहीं, वो बेटा, सुबह सुबह शायद कोई बुरा सपना देख रहा था, इसीलिए दिल थोड़ा घबरा रहा है। थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आराम कर लेता हूँ। नहीं दादाजी, आपका जो ये दिल घबरा रहा है ना, वो ऐसे आराम करके ठीक नहीं होगा। सुमन के हाथ की चाय पीकर ठीक होगी। ये लीजिए। वैसे दादाजी, हमें ना आपसे कुछ बात करनी थी। अंदर कमरे में चलकर बात कर ले। अंदर आकर मतलब क्या पूछना था बेटा? आप बाहर बैठकर बात करते ना। आराम। अरे सुमन बेटा, सुमन बेटा, सुमन सुमन बेटा, सुमन बेटा, वो बाहर बैठकर आराम से बात करते। हाँ दादाजी, वो आप उस दिन हमसे कह रहे थे ना कि माया की बातों पर यकीन मत करना। क्या आप जानते थे कि उस रात जाते जाते माया ने हमसे कुछ कहा था? दरअसल उस दिन हमने देखा था माया को तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसाते हुए, तो हमने सोचा कुछ कह रही है। और माया को हम अच्छी तरह जानते हैं। माया कितनी मक्कार, धूर्त और कपटी है। उसे बहुत नजदीक से देखा है हमने। हमने सोचा शायद वो तुम्हें बरगलाने की कोशिश कर रही है। अरे बेटा, तुम इतनी सुबह सुबह आई हो, सब घर वालों से मिली कि सिर्फ मुझसे मिलने चली आई मेरे लिए चाय बना के? जाओ जाकर सबसे मिलो और अपने सुरभी माँ से मिलो। सबसे पहले सुरभी माँ से मिलना। हाँ चलो। हाँ दादाजी, हम सबसे मिलेंगे, लेकिन हमें थोड़ा समय आपके साथ भी बिताना था। बस इसलिए।